सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं सक्षम जाट और आप देख रहे हैं जाट ग्रुप यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप गूगल पे ऐप में अपना अकाउंट कैसे जो है ऐड करोगे। तो दोस्तों अगर आपको गूगल पे ऐप में अपना अकाउंट नहीं बनाना आता, न्यू अकाउंट क्रिएट नहीं करना आता, तो उसके ऊपर मैंने पहले से एक वीडियो बनाकर रखी है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रीन में मैं प्रोवाइड करा दूँगा। आप वहाँ से जा करके उस वीडियो को देख सकते हो और गूगल पे में अपना न्यू अकाउंट बना सकते हो। और उस वीडियो में दोस्तों मैंने गूगल पे की पूरी जानकारी दी है। तो सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों उसके लिए आपको सिंपली अपने फ़ोन का डाटा ऑन कर लेना है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने दोस्तों पहले से डाटा ऑन करके रखा है जिससे आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। और दोस्तों आपको सिंपली क्या करना है, अपने गूगल पे ऐप में जो है चले जाना है। जाने के बाद दोस्तों आपको अपने गूगल पे ऐप में जो है अपना पिन डाल करके एंटर हो जाना है। तो मैं सिंपली अपने गूगल पे ऐप में अपना पिन डाल करके एंटर हो जाता हूँ। तो दोस्तों दोबारा से पिन मांगेगी, तो मैं सिंपली दोबारा से एंटर हो गया हूँ। एंटर होने के बाद दोस्तों आपके सामने ऐसा इंटरफेस इसका कुछ दिखाई देगा। तो आपको जहाँ पर दिखाई देगा ऐड बैंक अकाउंट सबसे ऊपर आपके नाम के पास, तो यहाँ से मैं सिंपली ऐड बैंक अकाउंट पे जैसे ही क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद दोस्तों इंडिया में जितनी बैंक है इसमें सारे बैंक जो है शो हो जाएंगे, सिलेक्ट योर बैंक। तो मैं यहाँ से सिंपली अपना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आपका रजिस्टर्ड बैंक नंबर जो है दिखाई देगा जो कि आपके बैंक से लिंक है। और दोस्तों आप देख सकते हो इस पर सेकेंड पे भी ग्रीन टिक आ गया है और फाइंडिंग बैंक अकाउंट्स लिखा हुआ आ रहा है और इसमें सेकेंड चल रही है। और दोस्तों ये भी टिक आ गया है इस पर ग्रीन, और हम प्रोसीड पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर आपको अपने डेबिट कार्ड के जो है लास्ट 6 डिजिट डाल देने हैं। तो दोस्तों मैंने अपनी बैंक की डिटेल हाइड करके रखी है और आपको 6 डिजिट डालने के बाद एक्सपायर डेट भी डाल देनी है। तो सिंपली मैंने एक्सपायर डेट भी डाल दी और नेक्स्ट पर क्लिक किया और प्रोसीड पर क्लिक किया और यहाँ पर गेटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम UPI लिखा हुआ आ रहा है। और दोस्तों यहाँ पर लाउडिंग हो रही है। लाउडिंग होने के बाद दोस्तों आपके सामने ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा जिसमें आपको दोस्तों आपको एक OTP आया है जो कि आपको यहाँ पर अपना OTP फिल करना है। OTP फिल करने के बाद दोस्तों आपको सेकंड में अपना पासवर्ड डाल देना है 6 डिजिट का, जो कि आपको अपना पासवर्ड रखना है दोस्तों अपने UPI का, और आपको कन्फर्म करना है दोबारा से वही वाला पासवर्ड आपको एंटर करना है। और एंटर करने के बाद दोस्तों आपको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। आप जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो दोस्तों आपके सामने गेटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम UPI कुछ ऐसा वो लिखा हुआ आएगा और दोस्तों लाउडिंग होगी। लाउडिंग होने के बाद दोस्तों तब तक लाउडिंग होती है तब तक आप वीडियो बने हैं और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और यहाँ पर एडिट अकाउंट एडिट लिखा हुआ आ गया और यहाँ पर आपको फुल नेम दिखा रहा है, तो आप यहाँ से कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों आपको दिस इज योर गूगल पे UPI ID एंटर दिस इज ऑर्डर अदर ऐप और वेबसाइट टू मेक पेमेंट्स। तो दोस्तों इस तरह है, हमारी ID जो है बनकर कंप्लीट हो गई है और हम इससे किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट और ऐप पर पेमेंट कर सकते हैं। और यहाँ से जैसे ही मैं अपने बैंक का बैलेंस चेक करता हूँ तो यहाँ पर हमारा पिन मांगा जाता है जो कि 6 डिजिट का पिन बनाया था। तो हमने पिन डाल दिया, पिन डालने के बाद गेटिंग इन्फॉर्मेशन UPI लिखा हुआ आ रहा है योर व्यू बैंक अकाउंट डिटेल्स बैलेंस। तो हाँ आप देख सकते हो मेरे अकाउंट में जो कि बैलेंस है जो कि है 7067 रुपीज़ 22 पैसा। तो आप देख सकते हो तो बस दोस्तों इस तरह से आप अपने ऐप में अपना बैंक अकाउंट लिंक कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।